जहाँ चाह है वहाँ राह है, कुछ इसी ही कहानी राजधानी रायपुर में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल तिवारी की है। घर में माँ की जिम्मेदारी और ड्यूटी में अपने कर्तव्यों को पूरा करने जबरदस्त सामंजस्य बिठाकर काम कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल तिवारी के पिता सरकारी डॉक्टर हैं, माता हाउसवाइफ थी। इसके अलावा उनके एक भाई भी हैं। संयुक्त परिवार में जन्मी पुलिस अधिकारी चंचल तिवारी की शिक्षा बिलासपुर से पूरी हुई है। बेसिक पढ़ाई सारंगढ़ में हुई है। बिलासपुर साइंस कॉलेज और सीएमडी कॉलेज में ग्रेजुएशन और पोस्ट की पढ़ाई पूरी की। इस दौरान चंचल तिवारी का नेट में सिलेक्शन हो गया और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करने लगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल तिवारी ने बताया कि वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का परीक्षा परिणाम आया और उनका डीएसपी के पोस्ट पर चयन हुआ और विगत 10 वर्षों से पुलिस में सेवाएं दे रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, सूरजपुर, अंबिकापुर में सेवा देकर वर्तमान में राजधानी रायपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला विरुद्ध अनुसंधान इकाई में कार्यरत है। चंचल तिवारी ने बताया कि एक महिला की समस्या को ज्यादा अच्छे से समझ सकती है, इसीलिए एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शायद पुरुषों को समझने में कठिनाई हो, लेकिन एक महिला ज्यादा अच्छे से हालत को समझ सकती है, इसीलिए एक दूसरे की समस्याओं को समझना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। और जब कभी भी किसी को महसूस होता है कि पुलिस की आवश्यकता है तो पुलिस को जरूर बताना चाहिए और उनसे मदद लेनी चाहिए। मेरे पापा जी डॉक्टर हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ रही, अब वो नहीं है। हम लोग एक भाई एक बहन हैं और क्योंकि मेरे पापा जी गवर्नमेंट जॉब में थे तो हर जगह ट्रांसफ़र होते रहता था, तो स्कूल तो हमेशा चेंज ही होते रहते थे। मेरा वैसे बेसिक मेरी पढ़ाई सारंगढ़ से हुई है, गवर्नमेंट स्कूल से। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए हम बिलासपुर आ गए, बिलासपुर साइंस कॉलेज और फिर सीएमडी कॉलेज में मैंने अपना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसी दौरान मेरा नेट में सिलेक्शन हो गया और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में एडहॉक पे काम करने लगी। और जब पीएससी 2012 हुआ तब मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सिलेक्शन हुआ। उसके कुछ दिनों बाद पीएससी का रिज़ल्ट आया और मैं डीएसपी के रूप में पदस्थ हुई और तब से मैं पिछले 10 साल से पुलिस में सेवाएँ दे रही हूँ। मैं इसके पहले कोरबा में प्रोबेशनर रही और उसके बाद सूरजपुर एसडीओपी और अंबिकापुर में एसडीओपी रही और एडिशनल एसपी के रूप में रायपुर में पदस्थ हूँ और यहाँ पे महिला विरुद्ध अपराध अनुसंधान इकाई में कार्यरत हूँ। और अभी वर्तमान में मेरी पोस्टिंग पीएचक्यू में सीआईडी में एडिशनल एसपी के रूप में हुई है। मैम, आपने बताया कि आप प्रोफेसर भी थी, तो यानी लोगों को जो एजुकेशन देने का जो प्रोफेशन था उससे फिर पुलिस डिपार्टमेंट में कैसा आना हुआ? आपका कोई मन था क्या इसमें, सपना कैसा रहा? एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा था, पर मैं अपने आसपास देखती थी महिलाओं की खासकर तकलीफ। जैसा मैंने देखती हूँ कि बहुत कम ही महिलाएं सामने आकर के अपनी समस्याओं को रख पाती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो छिड़कानी हो, जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं बच्चियाँ महिलाएं सामने नहीं रख पाती हैं। तो मुझे लगता था कि ये वो वर्ग है जो अपनी बात रखने में सक्षम नहीं है, तो मैं अगर उनकी किसी प्रकार से मदद कर पाऊँ तो मुझे अच्छा महसूस होगा। और इसीलिए मैंने पुलिस विभाग को चुना ताकि मैं अधिक से अधिक लोगों की हेल्प कर सकूं। मैम, जैसा कि आपने ये भी कहा कि महिलाओं से रिलेटेड जो केसेस ज़्यादा आकर आपके पास आते हैं, ऐसे स्थिति में आप उन केसों को कैसे हैंडल करती हैं और एक महिला होने के नाते महिलाओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि एक महिला, चूँकि महिला की समस्या को ज़्यादा अच्छे से समझ सकती है, इसलिए एक दूसरे की सपोर्ट करना नितांत आवश्यक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद पुरुषों को समझने में कठिनाई हो, पर एक महिला ज़्यादा अच्छे से सिचुएशन को समझ सकती है। तो मैं सबसे अपील करती हूँ कि एक दूसरे की समस्याओं को समझना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, और जब कभी भी किसी को महसूस होता है कि पुलिस की आवश्यकता है तो ज़रूर पुलिस की मदद लेनी चाहिए। मैम, रायपुर के कार्यकाल में आपके साथ कोई ऐसे कोई घटना है क्या जिसका आप जिक्र करना चाहेंगी, जो आपको लगता है कि कोई बड़ा केस था और आपने उसको अच्छे से हैंडल किया, अच्छे से उसमें काम
हाँ, बहुत प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। खासकर मैंने देखा, हम लोग जब यहाँ पे स्टार्टिंग पे आए तो हम लोगों ने महिला रक्षा टीम पे काम किया, और महिला रक्षा टीम जो बहुत दिनों से, मतलब पिछले 2 साल से बहुत अच्छे से काम कर रही है, और इसका उद्देश्य ही यही है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैंने देखा था कि महिलाएँ अपनी समस्याओं को अच्छे से रख नहीं पाती हैं, और उनका थाने से एक दूरी रहता है, बहुत ज़्यादा उनका थाने में आना जाना नहीं होता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के महिला रक्षा टीम को हम लोगों ने प्रोत्साहित किया कि इसमें महिला जो अधिकारी है वही फ़ोन उठाए। तो जब भी किसी महिला को कभी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या किसी बच्ची के साथ छेड़खानी हो रहा है, तो हमारी रक्षा टीम को कॉल करती थी, हमारे रक्षा टीम जा करके उनको वहीं पर मदद करते थे। उसके पहचान को गोपनीय रखा जाता था, उनसे किसी प्रकार का आवेदन नहीं लिया जाता था। तो कहीं ना कहीं उस वर्ग को हम हेल्प किए जो अपनी समस्याएं रखने में हेजिटेट होते थे। तो और साथ ही कुछ बड़ी घटनाएं हुई, जैसे एक मंदिर हसौद में एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें एक बच्ची के साथ में गैंगरेप हुआ था। उसमें हम लोगों ने 2 घंटे के अंदर पूरे आरोपियों को अरेस्ट किया था, और अभी उसका ट्रायल चल रहा है, और सजा संभावना है कि उसमें सजा भी हो जाए। तो ऐसे पीड़ित को न्याय दिलाने से बहुत ही खुशी होती है हम लोगों को। मैम, पारिवारिक और नौकरी के बीच में आप सामंजस्य कैसे स्थापित कर पाते हैं, दोनों को मैनेज कैसे करती हैं? थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगता है, नो डाउट। मेरा बेटा छोटा है तो बहुत बार उसको मेरी नीड होती है। अभी ही उसका एग्ज़ाम चल रहा है तो मेरे को यहाँ पे ज़्यादा समय देना होता है, तो बच्चे के लिए होता है। पर कहीं ना कहीं ईश्वर के आशीर्वाद और आप सब के सहयोग से मैनेज कर लेते हैं। फैमिली वगैरह का सपोर्ट वगैरह अच्छा रहता है, पर मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बिलासपुर है, सैटरडे संडे रहते हैं, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं बच्चे को मुझे एक्स्ट्रा टाइम तो देना पड़ता है। पर अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट करके हो जाता है। लोकल 18 रायपुर से राम कुमार की रिपोर्ट।